हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू यू जी सीटर ट्वेंटी कैसे आप सभी लोग वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू चलिए फरफर क्लास में आप लोग सभी ज्वाइन कर ले सो दैट आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को हम स्टार्ट कर लें या एवरीबॉडी मैं एक बार सेशन को शेयर भी कर देती हूँ सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन फास्ट एंड फास्ट जो भी स्टूडेंट्स वैसे मैं आपको बता दूं जो कि जो भी स्टूडेंट्स अपने नेट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं सेट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इट्स नॉट जस्ट इट इज़ नॉट जस्ट आस्ट इन योर यू नो UGC net examination, but also it is also आज in your state eligibility test examination as well. और अगर हम देखेंगे तो अलग अलग state में आपके eligibility test होते रहते हैं उस state के particular universities में और colleges में PhD enroll डी एनरोल करने के लिए और फेलोशिप को अवेल करने के लिए राइट तो ये वाली जो क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की स्वयं एंड स्वयं प्रभा एज यू ऑल नो दैट यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं Also uh, अभी जो अभी आपका एग्जाम हुआ है जस्ट फरवरी वाला मार्च और फरवरी वाला आपको पता है there have been maximum questions from swayam and swayam prabha that is why this particular session becomes a bit more important chaliye good afternoon very good afternoon चलिए हम्म ओके So let's start. ऑल्सो आपको थोड़ा सा मैं ऐप के बारे में बता देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग द क्लास बेसिकली आपको जो ऐप आप है उसका लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा आर ट्वेंटी फोर सेवन के मोबाइल एप्लीकेशन का जो सबसे अच्छी चीज़ है मोबाइल एप्लीकेशन की वो ये है कि जब भी आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं आपको सुपर कॉइन्स मिलते हैं ये मैं आपके फ़ायदे के लिए ही बता रही हूँ क्योंकि सुपर कॉइन्स जब आप जब आप यू uh, नो you know, Uh, आपको मिल जाते हैं सो so, जब भी आप कभी भी पेड बैचेस में एनरोल करते हैं चाहे वो यूजीसी नेट के पेड बैचेस में हो चाहे हो सकता है आप टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सुपर कॉइंस आप रिडीम कर सकते हैं और जैसे आप इसे रिडीम करेंगे आपका जो टोटल प्राइस होगा ना उसमें से कट हो जाएगा मतलब आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा तो इस वजह से अगर आप कभी भी बैच लेने का सोचें तो आप ये सुपर कॉइंस रिडीम करना ना भूलें तो आप ज़रूर जो है वो डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन इसके अलावा भी आपके फ़ोन में अगर ट्वेंटी फोर सेवन का मोबाइल एप्लीकेशन है तो आपको करंट अफेयर्स डेली क्विजेस मैगजीन्स नोट्स एंड आर्टिकल्स पावर कैप्स्यूस वीडियोज़ सब्जेक्ट वाइज क्विजेज भी और आपको साथ ही साथ जॉब अलर्ट्स भी मिलते रहते हैं सो यू जी सी नेट के सभी एस्पिरेंट्स के लिए करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये सभी लोग जानते हैं आप इस ऐप के थ्रू करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसी लिंक से जा करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं प्लस अगर आप लोगों में से सभी ने जो है वो डाउनलोड सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को पहली बार आए चैनल पर देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल चलिए तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं स्टार्ट करेंगे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज से क्योंकि आपका जो स्वयं और स्वयं प्रभा है इट्स अ काइंड ऑफ योर यू नो मैसेव ओपन ऑनलाइन कोर्स और इंडिया का जो सबसे पहला मैसेव ओपन ऑनलाइन कोर्स है दैट इज योर स्वयं ठीक है तो पहले बात कर लेते हैं कि आखिर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका मतलब क्या है दैट मीन्स अगर मैं आपसे कह रही हूँ कोई चीज़ मैसिव है मैसिव मतलब बहुत बड़ा कोई चीज़ समथिंग इज़ वेरी लार्ज अब वेरी लार्ज का क्या मतलब है क्या आप बहुत बड़े से ऑडिटोरियम में बैठ के पढ़ रहे हैं या फिर जो जह, जहाँ आप जिस स्पेस में पढ़ रहे हैं वो बहुत बड़ा है जी नहीं मैसिव का मतलब होता है वॉट इज मैसिव मैसिव का मतलब है कि कितने स्टूडेंट्स एक बार में पढ़ सकते हैं सो so, यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल करके पढ़ाई कर सकते हैं इट कैन बी हंड्रेड इट कैन बी थाउजेंड इट कैन बी टेन थाउजेंड इट कैन बी लैक्स आप कितने भी स्टूडेंट हो कोई लिमिट नहीं है दैट्स अ लार्ज 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 अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में आ सकते हैं दैट इज द मीनिंग ऑफ मैसिव फिर आता है ओपन का का क्या मतलब है? Open का मतलब होता है? कि registration open है है. होता कि आप आप कभी भी जब चाहें, तब आप registration कर सकते हैं पर्टिकुलर डेट no जैसे आपको यूजीसी नेट का अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो एक स्टार्ट डेट होती है एक एंड डेट होती है राइट right? ऐसा होता है नॉर्मली हर जगह ही होता है आपका कॉलेज का आपको फॉर्म भरना है भाई मान लीजिए आपको बी में एनरोलमेंट चाहिए एम में एनरोलमेंट चाहिए कहीं पर भी चाहिए हर कॉलेज का एक स्टार्ट और एंड डेट होता है रजिस्ट्रेशन को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का लेकिन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होता है ओपन रजिस्ट्रेशन होता है एवरी टाइम इट्स ओपन आप कभी भी रजिस्टर करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं ऑल्सो कॉन्टेंट ओपन होता है इट्स फ्री फॉर एवरीबडी सभी के लिए ओपन है कॉन्टेंट हाँ कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कि आपको एक्सक्लूसिवली मिलते हैं जब आप ओपन कोर्सेस में कुछ फीस सबमिट करते हो बट वो बहुत ही लाइक like, कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलता है देन फ्री ऑफ चार्ज ऑब्वियसली अगर हम स्वयं की बात करें तो स्वयं में आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली वैन यू वॉन्ट अ सर्टिफिकेट कोर्स तो आप वैसे भी कर सकते हैं ओनली वैन यू वॉन्ट अ सर्टिफिकेट इन दैट सिनारियो आपको मिनिमम फी देनी पड़ती है और आप जो है वो सर्टिफिकेट uh, को अवेल कर लेते हैं एंड इट ऑज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल मैसेव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल होते हैं सो दैट द मीनिंग ऑफ ओपन राइट फिर आता है आपका ऑनलाइन जो दूसरा ओ है उसका मतलब है ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिल रहा है यानी कि आप वन ऑन वन इंटरेक्शन कर रहे हैं लाइव चल रही है सब कुछ आप वन ऑन वन बात कर सकते हैं आप वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं इट्स लाइव ठीक है देन कोर्सेज क्या है ये सेल्फ पेस्ड कोर्सेज होते हैं जहाँ पर आप अपने हिसाब से चीजों को पढ़ सकते हैं कोई अटेंडेंस का कंपल्शन नहीं होता है आपको जो है वो कोई टाइम बाउंड नहीं होता है अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पाते हैं इन दैट केस आप रिकॉर्डेड चीजें भी देख सकते हैं बिकॉज आपके पास ये ऑलरेडी कोर्सेज उपलब्ध हैं राइट right? तो सेल्फ पेस्ड होता है स्टार्ट और एंड डेट नहीं होती है इसकी मतलब आप कभी भी स्टार्ट करिए मतलब एक होता है ड्यूरेशन तो होता है वैसे खैर कोर्स का कि एक स्टार्ट डेट होगी और एक एंड डेट होगी लेकिन अगर आप दोबारा से चाहें तो दोबारा से भी स्टार्ट कर कर सकते हैं इन कोर्सेज को देन आपको कॉलेज क्रेडिट्स मिलते हैं यानी कि अगर स्वयं की बात करें तो आपके स्वयं में आपने जो भी क्रेडिट्स अर्न किए हैं उसका फोर्टी परसेंट आपके अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में यानी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है राइट गुड आफ्टरनून उसके बाद आपको जो है वो एक लर्निंग कम्युनिटी मिलती है आप पीयर्स के साथ भी इंटरेक्शन करते रहते हैं आप असेसमेंट कर सकते हैं सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं बेसिकली जो मूक्स होते हैं उनके चार क्वाड्रेंट्स होते हैं इन फोर क्वाड्रेंट्स पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पिछले एग्जामिनेशन में सो दो फोर क्वाड्रेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे फोर क्वाड्रेंट्स के बारे में भी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राइट right? तो यहाँ पर आप सेल्फ असेसमेंट करते हो ऑनलाइन लर्निंग करते हो वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं इन टेक्स्ट होते हैं डिस्कशन फोरम्स होते हैं सो 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 मेनी थिंग्स राइट चलिए अब ये होता है आपका मूख दो तरह का एक है एक्स मूख और दूसरा है सी मूक्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है वी विल आल्सो सी दैट इन फर्दर इन द क्लासेस एज वी गो ऑन चलिए तो यहाँ पर देखो मैसिव है ओपन रजिस्ट्रेशन ओपन कंटेंट कंटेंट ऑनलाइन रियल टाइम में हो रहा है कोर्स आपका सेल्फ पेस्ड है कॉलेज क्रेडिट्स हैं बैजेस हैं फॉर्मल असेसमेंट है एंड आपको फीडबैक मिल रहा है जो अभी हमने पढ़ा उसी का ये रिटर्न फॉर्म है यानी कि विशाल है खुला पंजीकरण है खुली सामग्री है वास्तविक समय में आप इंटरेक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन चल रही हैं चीज़ें गुड आफ्टरनून देन स्वपुस्तक हैं कॉलेज क्रेडिट हैं बैज हैं औपचारिक मूल्यांकन और उनकी प्रतिक्रिया ये सभी जो है वो आपके मैसेव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का ये फुल फॉर्म है जिसको हम कहते हैं राइट right? अब आपको समझ में आ गया होगा थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं लेट्स डी डाइव डीप इन टू द हिस्ट्री ऑल्सो ऑफ मूक्स मूक जो आपका टर्म था उसे कॉइन किया था किसने रेफर टू अ कोर्स डेवलप बाई स्टीफन डॉबिंस एंड जॉर्ज सीमन ये दोनों जो हैं वो हस्ती हैं इसके पीछे ये जो आप प्यारी प्यारी फोटो देख रहे हैं देन एंड टाइटल कन्वेक्टि कन्वेक्टिजम एंड कनेक्टिविटी नॉलेज इन टू थाउजेंड एंड एट सबसे पहले जो आपका कोर्स आया था उसको कहा गया था शॉर्ट फॉर्म में सी के एट भी बोला गया था इसको क्योंकि तो इसका फुल फॉर्म क्या है कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिविटी नॉलेज जो कि 2008 में शुरू हुआ था और स्टीफेन डावंस और जॉर्ज सीमेंस ने मिलकर ये कोर्स डेवलप किया था जिसको उन्होंने बोला था एक शब्द में मूख ठीक है

विजन के साथ ये चल रहे थे कि भाई हमें क्या करना है हमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को लेकर के आना है एक ही बार में ऑन टाइम रियल टाइम में और उनको ये कोर्स पढ़ाना है या समझाना है प्रोवाइड अ रिचुअल लर्निंग एनवायरमेंट एंड ट्रेडिशनल टूल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग की तरफ बढ़ रहे थे जो कन्वेंशनल लर्निंग है जो आपकी प्रीवियस फॉर्म ऑफ लर्निंग थी जिसमें हम चॉक एंड टॉक मेथड से बात करते हैं ब्लैक बोर्ड पर बात करते हैं यू नो लिख लिख कर बताते हैं काफ़ी टाइम वेस्ट होता है उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि हम एक नॉन कन्वेंशनल अप्रोच हमें अपनाना चाहिए और थोड़ा सा एजुकेशन में भी रिफॉर्म लेकर के आना चाहिए यही रिफॉर्मेशन का विज़न इनको इन इनको दिख रहा था और उन्होंने मूख को डिजाइन किया 25 स्टूडेंट्स सबसे पहले 25 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था ये कोर्स ऑन द कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा में ये हुआ था और 25 स्टूडेंट्स ने ये जो है कोर्स आ, को अटेंड किया था उसके बाद फर्दर वर्ड टू वर्ड माउथ टू माउथ ये बात पहुंची एंड देन 2300 स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड सो 2300 बच्चे अराउंड द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में से पार्टिसिपेट इन्होंने किया था सो दैट वाज काइंड ऑफ एन अचीवमेंट उस टाइम जब ये सब चीज़ें ऑनलाइन टूल्स यू you नो know, इंटरनेट वाईफाई ब्रॉडबैंड ये सब चीज़ें उतना ज़्यादा अभी इवॉल्व नहीं हो पाई थी जो आपके अब आप 3G 4G 5G नेटवर्क्स फाइव जी नेटवर्कस हैं वो उतने ज़्यादा अभी नहीं थे ठीक है हम जो है वो टेक्नोलॉजी में थोड़े पीछे थे अगर वर्ल्ड की बात करें तो बाकी आपके वेस्टर्न कंट्रीज तो वैसे डेवलप्ड थे ही वैसे भी टेक्नोलॉजी में भी और नेटवर्किंग नेटवर्क में भी इंटरनेट में भी सब कुछ में हमसे हमेशा एक कदम आगे रहे हैं बट अगर वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से बात करें तो ये एक्चुअली एक बड़ा माइल था ठीक है वेरी गुड आफ्टरनून चलिए सो so, अब हम बात कर लेते हैं सी मूक्स और एक्स मूक्स में क्या डिफरेंस होता है यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में सो सी मूक्स जो है वहाँ पे लर्नर का रोल एक्टिव होता है और एक्स मूक्स में पैसिव होता है दैट मींस अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें सी मूक्स आपके कैसे होते हैं लर्नर सेंट्रिक होते हैं ठीक है जहां पर भी लर्नर का रोल इज एक एक्टिव रोल की तरह आपको देखने को मिलेगा दैट मीन्स वो पर्टिकुलर चीज आपकी लर्नर सेंट्रिक हो गई और जहां पर आपको लर्नर ही पैसिव दिखेगा दैट मीन्स ये आपकी टीचर सेंट्रिक हो गए सो एक्स मूक्स आपके टीचर सेंट्रिक हैं कन्वेंशनल मेथड है सी मूक्स आपका लर्नर सेंट्रिक है गुड आफ्टरनून यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है यानी कि जो टीचर है उसका रोल क्या होता है एक फैसिलिटेटर का और एक को लर्नर का एज अ गाइड कि भाई मैंने आपको किसी पर्टिकुलर चीज में गाइड कर दिया लेकिन अगर हम एक्स मूक की बात करें तो ये गाइड करते हैं लेकिन खुद ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं लर्निंग थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर कनेक्टिविज्म और सोशो कंस्ट्रक्टिविज्म की लर्निंग थ्योरी यूज़ होती है लर्निंग थ्योरी मैंने पेट बैचेस में बहुत अच्छे तरीके से बताया है सारी की सारी लर्निंग थ्योरीज चाहे वो कॉग्नेटिविज़म हो चाहे वो कनेक्टिविज्म हो चाहे वो सोशल रिकन्स्ट्रक्टिविज्म हो चाहे बिहेवियरिज्म हो एनी मैंने बहुत ढंग से बताया है आपको पैडागोजी में क्या होता है यहाँ पर नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है और यहाँ पर नॉलेज को ड्यूप्लीकेट किया जाता है दैट मीन्स यहाँ पर हम नॉलेज को बना रहे हैं बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है खुद से कर रहा है यानी कि एक्टिविटी लर्निंग है लर्निंग बाई डूइंग है प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी आ रही है जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है टीचर के पास जो नॉलेज है वही डुप्लीकेट करके वो स्टूडेंट को पहुंचा दे रहा है सो so यहाँ पर कुछ नया नहीं हो रहा है नॉलेज का डुप्लीकेशन हो रहा है डबलिंग हो रही है राइट यस देन बात करते हैं यहाँ पर डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो पर्सनल लर्निंग एनवायरमेंट में होता है जिसको हम पीएलई कहते हैं दैट मीन्स ट्रेडिशनल लर्निंग आप फेस टू फेस पढ़ रहे हैं ऑनलाइन का तो कोई चक्कर नहीं है एक्स मूक में क्या होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम पढ़ते हैं एलएमएस के सिस्टम असेसमेंट uh, में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट होता है और पियर असेसमेंट होता है यहाँ पर आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होता है एक्सटर्नल असेसमेंट को हम और क्या कहते हैं एक्सटर्नल असेसमेंट इज ऑल्सो नोन एज समेटिव इवेलुएशन समेटिव इवेलुएशन और समेटिव इवेलुएशन कैसा होता है आपका बाई दी एंड होता है और जब हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं यानी हम अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस पर ध्यान देकर के करते हैं राइट right? यस yes. फिर सर्टिफिकेशन यहां पर रेयरली मिलता है यहां पर आपको यूजली सर्टिफिकेशन मिलता है uh, ये नॉन प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट है ठीक है चलिए चलिए तो वही वही था बस उसका एक हिंदी वर्जन था ज, जैसे एक्स जो है वो पारंपरिक दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं जहाँ पाठ्यक्रम पूर्व चयनित पठन और संदर्भ सामग्री के साथ अच्छी तरह से संरचित होते तो यही आपका पुराना पारंपरिक दृष्टिकोण है जहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है ऑल यस right? yes. अब हम मूव प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं इंडिया में जैसे कि आपका इग्नू है सक्षत है जो कि ई कॉन्टेंट प्रोवाइड करता है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है जो कि एनसीआरटी का है उसके बाद अम, एडूसैट है जो कि सैटेलाइट है जो कि लॉन्च हुई है इन इंडिया में फॉर एजुकेशन नेट है इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर अच्छा नेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे ऐसे ई कॉन्टेंट हैं बहुत सारे आपके डिजिटल इंडिया की इनिशिएटिव हैं जिसकी कमान इन्फ्लिपनेट को मिली है ये भी मैंने आपको हायर एजुकेशन ने पेड बैचेज ने बहुत अच्छे से बताया इनफैक्ट बहुत सारी यूट्यूब पर भी क्लासेज ली है आपकी मैंने ई विद्वान क्या है ई कल्पा क्या है ई आचार्य क्या है पोसी क्या है देन आपका यू ए वाई जियान ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में पढ़ाई है तो अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है ऐसी तो आप हायर एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी चैनल पर वहाँ से जब आप हायर एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सारा का सारा कॉन्टेंट ऑल राइट उसके बाद आता है आपका कॉन्सोशियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन सी ई सी एंड देन आता है आपका ई पी जी पाठशाला आई होप आपको ई पी जी पाठशाला के बारे में शायद पता होगा ठीक है ई पी जी पाठशाला में आपके मास्टर्स लेवल के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इनफैक्ट जब मैं अपने मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही थी आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आई वॉज इन माई मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंस आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स एंड मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पर ओके रवि दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम हाँ सो क्या हुआ था उस टाइम पर मैंने जब उस टाइम पे मैंने सबसे पहली बार आई केम अक्रॉस ई पी जी पाठशाला आई थॉट कि देखते हैं क्या है एंड आई वॉज सो एस्टॉनिश्ड इतने अच्छे कॉन्टेंट इतना बढ़िया स्टडी uh, मटीरियल और लाइक वेरी वेरी नाइस सब कुछ इतना अच्छे से सिंकरनाइज मैंने वहीं से अपने मैक्सिमम नोट्स बनाए थे एंड ऑल्सो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ being the topper of my university, being the gold medalist, I can say that yes, EPG Parshala has the best content. agar aap masters level ki baat karenge to bahut sare subjects hain from A to Z, so many subjects. आप एक बार check भी कर सकते हैं अगर आपके masters का subject EPG Parshala में है, आपको बहुत सारे sub units भी मिलेंगे आप link पर click करेंगे तो and it's massive, बहुत सारा content है आप एक जगह मतलब आप पढ़ते रह जाएंगे कंटेंट की कमी नहीं है बहुत रिच है कंटेंट में ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं स्वयं की तो आ, एक सेकेंड ठीक है तो स्वयं जो है वो इंडिया का नेशनल मूव प्लेटफॉर्म है ये कम से कम टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री को रिप्रेजेंट करता है ऑफर करता है विच आर टॉट बाय 1300 टीचर्स फ्राम ओवर टू हंड्रेड थ्री इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग टीचर्स इतने सारे कोर्सेज में स्वयं प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं One aspect that sets it apart from other platforms is that it allows students in India to earn academic credits online. Very important. Academic credits से questions भी आए थे. So सबसे अच्छी जो इसका जो इसका feature है स्वयं का वो ये है कि अगर आप स्वयं courses करते हैं, certification लेते हैं, तो ये credits आपको actually online transfer भी हो सकते हैं, forty percent. इट कैन बी एक्सेस बाई एनी वन कोई भी एक्सेस कर सकता है कभी भी कर सकता है कहीं से भी कर सकता है एक्सेसिबिलिटी की कोई इशू नहीं है आप कभी भी आइए कहीं से भी रहिए और कितने भी टाइम करिए देर इज़ नो पाबंदी यूजिंग एन आई टी सिस्टम ये डेवलप किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एंड ए आई सी टी कवरिंग स्कूल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल कोर्सेज स्कूल कोर्सेज को भी ये हेलो गुड आफ्टरनून स्कूल को भी ये देखता है अंडरग्रैड uh, कोर्सेज को भी देखता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को भी देखता है साथ ही साथ प्रोफेशनल कोर्सेस को भी स्वयं प्लेटफॉर्म के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद ये जो आपके चार क्वाड्रेंट्स हैं ये सिर्फ स्वयं के ही नहीं ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कोई भी आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हो उसमें ये चार क्वाड्रेंट्स आते ही आते हैं सबसे पहला है आपका वीडियो ट्यूटोरियल्स वीडियो ट्यूटोरियल्स में क्या होता है आपको वीडियोस के थ्रू चीज़ें समझाई जाती हैं जिसमें पूरा कोर्स जो है वो कवर होता है फिर आता है आपका ई कंटेंट ई कंटेंट मतलब आपका टेक्स्ट वाला कंटेंट जो आप रीड करते हैं रीडिंग मटेरियल जिसको हम कहते हैं दैट इज योर ई कंटेंट सेल्फ असेसमेंट में क्या होते हैं आपके क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स होते हैं जिसमें आप खुद को एनालाइज करते हैं और डिस्कशन फोरम होते हैं फॉर पोस्टिंग योर क्वेरीज आपको कोई प्रॉब्लम है आपको कोई दिक्कत है आपको कोई परेशानी है आपकी कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कशन फोरम के थ्रू ऑनलाइन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूछ सकते हैं ठीक है सो so, ये क्यों, क्या हो गया वीडियो ट्यूटोरियल पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने वाले ई सामग्री एक्सेस करने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल में जोड़ा जोड़ा जाता है जैसे हम जब पेड क्लासेस करवाते कर हैं आपको तो हम पी डी एफ अटैच करते हैं उसमें ये पी डी एफ अटैच करने का क्या मतलब है कि आप क्लासेस तो देख ही लो साथ ही साथ जो हमने कॉन्टेंट पढ़ाया है आप उस कंटेंट को भी एक्सेस कर पाए पेड बैचेस के थ्रू तो सेम चीज आपके स्वयं में भी होता है ई e कंटेंट होता है जो आपके वीडियो ट्यूटोरियल में साथ ही साथ ऐड कर दिया जाता है ताकि जो भी आपने वीडियोस में पढ़ा है उसका एक रेडी मटेरियल मिल जाए आपको जो आपको रीड करने में आसानी हो फिर आता है आपका स्व मूल्यांकन जिसमें क्विज होते हैं और असाइनमेंट होते हैं गुड आफ्टरनून ये सेट एग्जामिनेशन के लिए भी है महिमा उसके बाद आता है आपका चर्चा मंच जिसको हम कहते हैं डिस्कशन फोरम और ये चर्चा मंच जो है वो प्रश्नों को आपके खुद के प्रश्न जो है आपके जो डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए होता है सो so, यहाँ पर बेसिकली आपके जो पियर्स हैं वो आपको आंसर कर देते हैं जैसे होता नहीं है आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कई सारी जगह कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जो जहाँ पर हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं उसके बाद नीचे रहता है पोस्ट अ कॉमेंट आई थिंक आपने देखा होगा ये बहुत कॉमन है पोस्ट अ कामेंट वहाँ पर लोग अपनी क्वेरीज डाल देते हैं या फिर पूछ लेते हैं या फिर कॉमेंट कर देते हैं कि हाँ इट्स अ वेरी नाइस थिंग या बहुत अच्छा है या मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है या फिर इस पर भी वीडियो लेक्चर्स चाहिए सो so बेसिकली आपका डिस्कशन फॉरम उससे थोड़ा सा अलग है मतलब अपनी क्वेरीज को पोस्ट करने का आपको एक खुला मंच दिया जाता है जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को पोस्ट करते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स को देखता है उससे रिलेटेड आपको आंसर वहाँ पर मिल जाता है क्लियर है हाँ ओके, <coughs> फिर okay. हम आते हैं कुछ प्रोवाइडर्स पे और उनके इंस्टीट्यूशन जो बिहाइंड है उससे पहले आपको ज्यादा जरूरी है जानना जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज होता है सो so, सबसे पहले आता है आपका नेपटेल नेपटेल के पीछे हैं सेवन आई और आपका आई आई एस सी बेंगलोर इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जानना ये है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कोर्स बिल्डर यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में दैट्स वाई एम स्ट्रेसिंग ऑन योर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फिर आता है आपका मूकिट मूकिट आया है 2012 में जो जो कि आईआईटी कानपुर के द्वारा आया है यहाँ पर जो हम ओपन सोर्स कंटेंट यूज करते हैं वो है आपका ड्रूपल बेस कोड वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन आया है फिर आता है आपका आई आई टी बॉम्बेक्स ये डेवलप किया है आई आई टी बॉम्बे ने और यहां पर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज होता है दैट इज योर एडेक्स ऑल राइट चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं नहीं पहले हम स्वयं प्रभावी पढ़ लेते हैं उसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेंगे ये पढ़ लेते हैं सबसे पहले नाइन नेशनल कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं AICTE इसका नेशनल कोऑर्डिनेट है जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है अभी हमने देखा कि स्वयं जो है वो 2 200 प्लस यूनिवर्सिटीज के आ, आ, जो है वो आ, थाउजेंड प्लस आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं इन थाउजेंड प्लस कोर्सेज तो अब ये यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी होंगी या फिर ये कॉलेज के प्रोफेसर्स कहाँ कहाँ से आएंगे जो स्वयं प्लेटफॉर्म पर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो यहीं से आते हैं इन्हीं को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स जो एक्चुअली स्वयं प्लेटफॉर्म को मेंटेन कर रहे हैं और यहीं के प्रोफेसर्स यहीं के कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको जब आप स्वयं कोर्सेज में एनरोल करते हो तो आपको पढ़ाते हैं

मैं मैं फिर भाई ब्लॉक कर दूंगी अगर पढ़ना है तो पढ़ो ढंग से आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट सच न्यूसेंस इन द क्लास और अगर आप लोग को आपस में बात करनी है खुद से बात करनी है तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म ठीक है स्टॉप ऑल दिस नॉन सेंस एंड दिस न्यू सेंस लेट्स फोकस अभी क्वेश्चन करवाऊंगी मैं और जो करेक्ट आंसर नहीं देगा उसको ब्लॉक करूंगी मैं तो पहले पढ़ लो ठीक है फिर आता है यूजीसी जो की आपके नॉन टेक्निकल पी जी एजुकेशन के आपको कॉन्टेंट प्रोवाइड करता है सीई सी आपको यूजी एजुकेशन की चीजें प्रोवाइड करता है जो आपकी अंडर ग्रेजुएट में है

और ये 247 बेसिस पर लगातार आपको कंटेंट देता रहता है थ्रू जीसैट 15 सैटेलाइट तो एक सैटेलाइट होती है जो कि लॉन्च हो जाती है जीसैट 15 और इसके थ्रू ये 247 बेसिस पर आपको 34 डीटीएच चैनल्स डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अच्छा अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था स्वयं प्रभा से कि ये कितनी बार चलता है तो एवरी डे नया कंटेंट आता है चार घंटे के लिए जो कि पांच बार रिपीट होता है इसी को जो है वो एन ने उल्टा कर दिया था उल्टा ये कर दिया था फोर की जगह यहाँ पर फाइव कर दिया था कि फाइव आवर्स का कंटेंट होता है जो कि रिपीट होता है फोर टाइम्स तो ये तो गलत हो जाएगा यही एन ने आपके साथ जो है वो इस बार गेम किया था उल्टा कर दिया था बिल्कुल क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया था सो ये क्या होता है आपका फोर आवर्स का कंटेंट होता है जो पांच बार रिपीट होता है ना कि पांच आवर का कंटेंट जो चार बार रिपीट होता है रेपिटेशन पांच बार है कंटेंट फोर आवर्स का है ठीक है ठीक है रेशमी ओके आई गेट इट अब आप लोग ध्यान से पढ़ लो ठीक है चलिए एनी anyway, जो इन्फ्लिबनेट सेंटर है वो ये वेब पोर्टल मेंटेन करता है और ये हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन और कॉम्पटेटिव एग्जाम तीनों को स्वयं प्रभा जो है वो टारगेट करता है तो आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं फॉर एग्जाम्पल आई वगैरह आई के एग्जामिनेशन हो गए स्कूल एजुकेशन हो गया हायर एजुकेशन हो गया ये सब कुछ आप स्वयं प्रभा की जो डी चैनल्स हैं उनके थ्रू पढ़ सकते हैं ठीक है स yes, ओके okay. मुझे किसी से कोई इश्यू नहीं है आई जस्ट डोंट वॉन्ट अदर स्टूडेंट्स टू गेट डिस्टर्ब ठीक है चलो तो ये आपका जी सेट फिफ्टीन उपग्रह का उपयोग करके चौबीस गुड़े सात बेसिस पर आपको उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समर्पित थर्टी फोर डी टी एच चैनलों का एक समूह है यहाँ पर उच्च शिक्षा विद्यालय की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा तीनों को टारगेट किया जाता है ठीक है yes. अच्छा अब आपके लिए ये एक नई चीज़ होगी आप लोगों को लग रहा होगा मैम ये क्या अनोखा चीज़ आ गया भाई आपके इस वाले एग्जामिनेशन में जो अभी फरवरी मार्च में हुए हैं उसमें आपके स्वयं प्रभा के जो थर्टी फोर चैनल्स हैं ना उस पर क्वेश्चन आया है कि थर्टी फोर्थ चैनल कौन सा है थर्टी सेकेंड चैनल कौन सा है तो ये रहे आपके चैनल्स और ये रहा आपका पूरा कॉन्टेंट चैनल नंबर वन आपका जो है वो ह्यूमैनिटीज का है लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल नंबर टू ह्यूमैनिटीज आर्ट्स हिस्ट्री फ़िलासफी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स चैनल थ्री सोशल साइंस सोशियोलॉजी पोलिटिकल साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट चैनल फ़ोर है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी होम साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स चैनल फाइव इज़ फॉर सोशल साइंस मैनेजमेंट लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट चैनल सिक्स इज़ लॉ लीगल स्टडीज़ ह्यूमन राइट्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट और आपका चैनल सेवन है इकोनॉमिक्स कॉमर्स और फाइनेंस के लिए उसके बाद आपका ऐसे ही एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन चैनल है एट इज़ फॉर फ़िज़िकल साइंसेज मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री नाइन इज फॉर लाइफ साइंसेज बॉटनी जुलॉजी बायो साइंस टेन अप्लाइड साइंस के लिए है अलाइड फिजिकल केमिकल साइंस के लिए है ये भी पूछा गया है कि चैनल 11 से 18 किसके द्वारा मैनेज किया जाता है ये मैनेज किया जाता है नेपट्टेल के द्वारा ठीक है इस तरह से आपसे क्वेश्चन आता है तो ये आपका जो चैनल ग्यारह है वो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है केमिस्ट्री के लिए है मतलब आपके इंजीनियरिंग फ़ील्ड से रिलेटेड है चैनल ट्वेल्व सिविल इंजीनियरिंग और रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए है सो तो आपका नेपट्टे से के द्वारा मैनेज किया जा रहा है दैट मीन्स ये इंजीनियरिंग कोर्सेज ही अब प्रोवाइड करेगा इसके प्रोवाइडर्स कौन हैं आई आई टी खड़गपुर आई आई टी डेली आई आई टी खड़गपुर आई आई टी डेली आई आई टी मद्रास सारे आई आई टीज़ प्रोवाइड करते हैं ग्यारह से अट्ठारह तक का चैनल जो है फिर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग है फोर्टीन में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है चैनल फिफ्टीन इंजीनियरिंग साइंसिस और जनरल सब्जेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग को गवर्न करता है ठीक है हाँ थर्टी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे फिर सिक्सटीन सेवनटीन एटीन को देखिए नेपटल ह्यूमैनिटी सोशल साइंस और मैनेजमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फिजिक्स मेटालॉजी और रिलेटेड सब्जेक्ट्स ये आपका अठारह तक हो गया उन्नीस से बाईस तक जो है वो आपके हाई स्कूल स्टूडेंट्स इज मैनेज फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए होता है बाय आई आई टी डेली एंड इज कॉल आई आई टी पॉल ठीक है हा अब हिंदी ये तो आपको एक मिनट इंजीनियरिंग को क्या बोलू हिंदी में कॉमर्स को वणिज्य बोलू गुंजन ये बताइए दो बजे होती है ठीक है हाँ फिर आता है आपका चैनल नंबर नाइनटीन इसमें बायोलॉजी होता है फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स टेंथ के लिए केमिस्ट्री होता है टेंथ के लिए मैथमेटिक्स टेंथ के लिए और फ़िज़िक्स टेंथ के लिए फिर आता है आपका लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ 23 और 24 ये दोनों इग्नू द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है चैनल 25 को एन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा मैनेज किया जाता है यहाँ से आपको डी जो आप रीजनल लैंग्वेज में करते हैं जो आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है चैनल 26 सिक्स इग्नू के द्वारा जो है वो मैनेज किया जाता है यहाँ पर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगी जो आपके स्टेट लेवल पर हैं यूनिवर्सिटीज़ 27 और 28 को एन द्वारा मैनेज किया जाता है सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के लिए ठीक है हाँ जी चलिए ठीक है यस वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी नाइन यूजीसी इंफ्लिबनेट गांधीनगर द्वारा मैनेज किया जाता है यहां पर आपको पीजी सब्जेक्ट्स और योगा मिलता है उसके बाद थर्टीएथ जो है वो एन आई ओ एस ज्ञान ज्ञानवृत् एन आई ओ एस न्यू डेली चैनल थर्टी वन एन सी आर टी द्वारा मैनेज किया जाता है चैनल थर्टी थ्री इग्नू और एन आई ओ एस के द्वारा मैनेज किया जाता है ये क्वेश्चन भी आया था कि चैनल थर्टी थ्री इज ज्वाइंटली मैनेज बाई इग्नू एंड एन आई ओ एस फॉर टीचर एजुकेशन चैनल थर्टी फोर इज मैनेज बाई एन सी आर टी ठीक है और चैनल थर्टी थ्री इज मैनेज बाई एन सी आर टी दोनों ही चैनल आपके एन सी आर टी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं चलिए ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये बताइए। हमने काफी पढ़ाई कर ली अब क्वेश्चंस करते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ मूक इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इज जस्टिफाइड बिकॉज मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में एमओसी uh, की शुरुआत इसकी वजह से उचित है कम लागत वाले विचार लो कॉस्ट कंसिडरेशन एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशन अभिगम्यता का विचार स्पीड कंसिडरेशन गति संबंधी विचार या फिर आपका नॉवेल्टी कंसिडरेशन नवनी नवीनता का विचार आपको बस कुछ कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि भाई ये चैनल्स अगर हैं तो ये चैनल्स क्या कह रहे हैं आपको याद नहीं करना है बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपके क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं बिकॉज इस बार आया है येस वेरी गुड जो बच्चे सेकेंड आंसर दे रहे हैं वेरी गुड बी आंसर इज द राइट आंसर वेरी गुड मुस्कान एंड एस्पिरेंट आपका नाम क्या है आपका uh, नाम एस्पिरेंट की तरह आ रहा है वॉट इज योर नेम बाय द वे लेट मी नो योर नेम यस सो एक्सेसिबिलिटी कॉन्सिडरेशन यहां पर होगा क्योंकि हमने क्या बात की थी स्वयं या मूक्स ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं एक्सेस कर सकते हैं कोई चीज एनी टाइम एनी वेयर एंड बाय एनी वन ठीक है चलिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको स्वयं प्रभा कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ थर्टी फोर डी टी एच चैनल एजुकेशन पॉलिसी आईडेंटिफाइड एज मच एज फिफ्टी थ्री थीम्स हिंदी में भी दिखा देती हूँ हिंदी में नहीं आई थिंक यही है चलो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर अच्छा वैभव हेलो वैभव I know the culprit. Hmm. चलिए वेरी गुड वैभव वैभव इज़ गिवन द राइट आंसर बाकी लोग तो अभी बातें करने में बिजी हैं हाँ अलक नंदा ने भी सही आंसर दिया है और वैभव ने भी सही आंसर दिया है वेरी गुड आफ्टरनून शनी सो द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट नंबर वन इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज़ इन करेक्ट सो आपका थर्ड सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर वेरी गुड मधु वेरी गुड नीरू यस थर्टीन थीम्स ओनली ओके गुड चलिए यहाँ पे आप मैच करिए इसको नेपट्टे सी ई सी एन सी आर टी एंड एन आई ओ एस एंड एन आई टी टी आर इसको इसके डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कीजिए अभी मैंने बताया था जो आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं स्वयं के उनका किस किस जगह पर काम पड़ता है उसके लिस्ट को आपको इनके डिस्क्रिप्शन से मैच करना है चलिए मैच कीजिए नेपटल कहाँ आएगा सीईसी किस लिए होता है एनसीईआरटी और एनआईओएस किस लिए है और एनआईटीटीआर किस लिए है चलिए फटाफट फड़ से मैच करके करेक्ट आंसर बताइए यस जो लोग भी बहस कर रहे हैं दे हैवंट गिवन द राइट आंसर तो ये आप लोग अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज़ ऑनलाइन जब आप किसी से बहस करते हैं ना इट्स नेवर एंडिंग आप कुछ भी कहते हैं आप जानते नहीं हम सब अनोनमस होते हैं किसका क्या नाम है क्या आइडेंटिटी है हमें किसी के बारे में नहीं पता होता बट स्टिल जब हम ऑनलाइन बहस करते हैं ऑनलाइन किसी से लड़ाई करते हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है तभी जो आपके न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो बड़े बड़े डिबेट करते हैं एक एक घंटे के डिबेट करते हैं प्रवक्ताओं को बुलाते हैं स्पोक्स पर्सन को बुलाते हैं लेकिन उससे कभी देश के हालात नहीं सुधरते न्यूज़ चैनल्स को मिलती है टी और जो है हमारा होता है टाइम वेस्ट और सबको मिल जाते हैं पैसे लेकिन इस देश का भला नहीं होता है ना ही सौहार्द बढ़ता है ना ही अगर देश में किसी चीज़ की कमी है इकोनॉमिक लॉस हो रहा है या किसी गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो उसका कुछ हो जाएगा तो वैसे ही आप लोग जो यहाँ पर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं उससे किसी का कुछ आउटकम नहीं निकलने वाला ना ही कोई यहाँ पर जीतेगा ना ही कोई हारेगा बस आप लोग सिर्फ एक दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं ठीक है चलो तो नेप्टिल किस लिए है नेपटेल है आपका इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए यानी ए ए का का हो जाएगा second. Second है है ऑप्शन में बी सी आपका अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए तो ये बी हो गया एनसीआर और एनआईएस क्या करते हैं स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो सी का फर्स्ट हो गया और एनआईटी आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो ये हो गया डी सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट वन है आपके आईसीटी इनिशिएटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और लिस्ट टू में उनके बेनिफिट्स दिए हुए हैं स्वयं है स्वयं प्रभा है ईपीजी पाठशाला है और ई e यंत्र है क्या होगा कर, करेक्ट आंसर चलिए <laughs> इसको मैच कीजिए मूव अ साइड ताकि आप लोगों को सारे ऑप्शन अच्छे से दिख जाए यहां से तुरंत बन जाएगा आंसर तुरंत आंसर बन जाएगा स्वयं प्रभा क्या है स्वयं प्रभा है टू वॉच हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन ट्वेंटी फोर सेवन बेसिस यानी बी का थर्ड हो गया बी का थर्ड कहाँ पर है बी का थर्ड आपका सेकेंड ऑप्शन में तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ठीक है हाँ सो so, ए स्वयं क्या हो जाएगा स्वयं इज टू अर्न क्रेडिट्स थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज मैंने बताया भी फोर्टी परसेंट क्रेडिट जो है वो आपके फाइनल uh, एग्जामिनेशन में आपके फाइनल रिजल्ट में एड हो जाते हैं स्वयं के तो ये फोर्टी परसेंट क्रेडिट्स आप अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म तो ए का हो जाएगा फोर्थ ठीक है यानी ये हो गया ए उसके बाद बी स्वयं प्रभा क्या है एजुकेशनल प्रोग्राम को 24/7 बेसिस पर बिसज गांधीनगर से गवर्न होता है ये और जी सैट फिफ्टीन से ऑपरेट करता है फिर आता है आपका ई पाठशाला ई पाठशाला किस लिए है फ्री बुक्स करिकुलम ई कंटेंट मैंने बताया था ई पाठशाला पे आप ढेरों ई कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं सो ये हो गया आपका सी ई यंत्र आपका बेसिकली यंत्र मतलब कोई मशीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट से रिलेटेड है ये ये आपका डिजिटल है है e ई भी पढ़ाया है मैंने एजुकेशन में सो so ये होता है टू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एम्बेडेड सिस्टम जो भी आपके इंजीनियर्स हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ई e यंत्र एक डिजिटल इनिशिएटिव है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है हाँ जी चलिए तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा uh... फॉलोइंग आर मूक प्लेटफॉर्म कौन कौन से मूक प्लेटफॉर्म है गूगल मीट कॉर्सरा जूम फ्यूचर लर्न एंड टर्न इट इन बताइए कौन सा मूक का प्लेटफॉर्म है गूगल मीट कॉर्सरा जूम फ्यूचर लर्न एंड टर्न इटेन मैच कीजिए चूज द करेक्ट आंसर ये आपके 2022 का क्वेश्चन है गूगल मीट के थ्रू क्या आप मैसेव ओपन ऑनलाइन कोर्स पढ़ते हैं बिल्कुल नहीं ए को हटाइए जूम के थ्रू भी नहीं करते ये आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है तो ए और सी तो हट जाएगा ए को, हट, को हटाओ सी को हटाओ सेकेंड और थर्ड ऑप्शन बचा कोर्सरा तो बिल्कुल होना चाहिए कोर्सरा हो गया आपका फिर एडेक्स हो गया उसके बाद आ, आपका यूडेमी हो गया है ना ये सारे आपके मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के प्लेटफॉर्म है हो जाएगा, आपको हो जाएगा। आपका क्या है प्लेजरिज्म रिमूविंग सॉफ्टवेयर है ये एक एप्लीकेशन है ठीक है या फिर प्लेटफॉर्म इसको कह सकते हैं इट्स नॉट अ मूव प्लेटफॉर्म तो ई e को एलिमिनेट कर दीजिए बी और डी करेक्ट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर थ्री यस ओके इसको नहीं करते हैं ये बताइए लास्ट क्वेश्चन है ये, ये स्वयं को भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से शुरू किया गया है स्वयं इज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन ऑब्जेक्टिव टू क्या ऑब्जेक्टिव है स्वयं को स्टार्ट करने का एंश्योर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस्ड एंड डिलीवर्ड उत्पादित और वितरित की जाने वाली सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री को सुनिश्चित करने के लिए बी प्रोवाइड क्वालिटी मटेरियल्स विद नॉमिनल कॉस्ट नाम मात्र लागत के साथ गुणवत्ता सामग्री को प्रदान करना टीच ऑल क्लासेस फ्रॉम नाइन्थ टू पी जी नाइन्थ क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी कोर्सेस को टैकल करना टारगेट करना डी एक्सेस स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली एंड ग्रांड डिग्रीज छात्रों का लगातार मूल्यांकन करना और डिग्री को प्रदान करना एंड ई e आता है एक्सेस एनी बाय एनी वन एनी वेयर एट एनी टाइम यस वेरी गुड सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हम जब भी, भी बात करते हैं तो आपका जो स्वयं प्लेटफॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको पैसे देने ही नहीं है तो बी ऑप्शन होगा ही नहीं सी बिल्कुल ठीक है डिग्री ग्रांट करने का काम नहीं करता है स्वयं डिग्री सिर्फ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ही प्रोवाइड कर सकती हैं। मैसेफ ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं डिग्रीज नहीं ठीक है और यह भी बिल्कुल ठीक है एनी वेयर एनी वन एट एनी टाइम ठीक है चलिए। सो आई थिंक दिस वॉज इट ये आपको मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूं दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन Oh, होमवर्क आपका वेब पोर्टल और में हूं? Also, अब आपको तो आपको जाना है अटर ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट पर उससे पहले आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है क्योंकि आप उससे अर्न करेंगे सुपर कॉइन्स और सुपर कॉइन्स को जब आप रिडीम करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा फिर आप जाएंगे यूजीसी नेट पर और जाएंगे यूजीसी नेट जून पर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको मिल रहा है पेपर वन का कंप्लीट बैच यू जी सी नेट इंग्लिश का मेगा पैक वाणिज्य कॉमर्स का फाउंडेशन बैच यू जी सी नेट कॉमर्स का मेगा पैक प्रतिज्ञा यूजीसी नेट होम साइंस का बैच उसके बाद आपको बुक्स मिल रही हैं पेपर वन की कंप्लीट बुक मिल रही है पेपर टू और पेपर वन की साथ में बुक मिल रही है सेवन बुक्स मिल रही है कॉमर्स का कंप्लीट बुक किट मिल रहा है आपको सिक्स बुक्स हैं इसमें टोटल और आपको पेपर वन और पेपर टू का नाइन टोटल बुक्स मिल रहे हैं सो बुक्स भी हैं हमारे पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है सो मेनी थिंग्स पहले बैच की बात कर लेते हैं अगर हम पेपर वन की कंप्लीट बैच की बात करें सो योर इट इज आपको बाइन नाउ करना है एंटर है कूपन कोड व्हिच इज Y563 Y563 इसको अप्लाई करते ही आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा 2299 रुपीस में प्लस अगर आप सुपर कॉइंस अर्न करते हैं बाय डाउनलोडिंग दी ऐप तो आपको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा कूपन कोड याद रखना है Y563 फिर बात करते हैं बुक्स की फिर जाना है आपको UGC NET जून यहाँ पर आपको इधर बुक्स पे जाना है ये आपको बुक्स दिख रही होंगी ये बुक्स पे जाना है ये रहा आपको कंप्लीट पेपर वन की बुक मिल रही है क्वेश्चन बैंक काइंड ऑफ अ बुक अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आई एडवाइस यू कि आप पेपर वन और पेपर टू दोनों की बुक किट ले कंप्लीट बुक किट जिसमें आपको सात बुक्स मिल रही हैं तीन बुक्स आपको पेपर वन की मिल रही हैं और चार आपको पेपर टू की मिल रही हैं ठीक है हाँ यहाँ से आप नाउ करेंगे जब भी आप बुक्स खरीदेंगे तो उसके लिए जो कूपन कोड है वो अलग है वाई फाइव सिक्स थ्री के बाद आपको लगाना होगा एस भी जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे आपको नाइन हंड्रेड थर्टी फाइव रुपीज में मिल जाएंगी कंप्लीट पेपर वन और पेपर टू की बुक्स अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप फाइव थाउजेंड या टू थाउजेंड का पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उस केस में बुक्स जरूर खरीदें क्योंकि बुक्स काफी ज्यादा कंटेंट में रिच हैं इनफैक्ट जिन बच्चों के पास बुक्स पहुंच चुकी हैं उन्होंने मेरे पास बहुत सारे फोटोज भी भेजे हैं वीडियोज भी भेजे हैं स्टेटिंग की मैम बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो आप कोई भी बुक यूज़ करिए वाई एस आपका कूपन कोड रहेगा आप जा करके चेक कर सकते हैं ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट पर सो या सो दैट वॉज ऑल एवरीबॉडी आई होप यू लाइक द सेशन इफ यू गिव गि थम्स अप लाइक द सेशन या लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आई सी यू टुमारो एट टू पी एम रोज मेरी दोपहर में दो बजे क्लास होती है बब बाई एवरीबडी टेक केयर हैवे नाइस डे अड